ऑल राइट भाई, आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि जो दो बेस्ट ऑप्शन है 24,000 के बजट में 25,000 से नीचे, वहां पे आपको नथिंग फोन 1 भी देखने को मिलता है और मोटोरोला एज 40 भी देखने को मिलता है। तो दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा, इस वीडियो में भाई डिटेल कंपेरिजन करने वाला है। कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी, हर चीज में भाई कौन सा बेटर है, और खासकर आईपी रेटिंग और ग्लिफ लाइटिंग। तो भाई सबसे पहले इनकी रेगुलर प्राइसिंग आप डिस्प्ले पे देख ही सकते हो, 30,000 का मोटो है और 27,000 का यहाँ पे नथिंग देखने को मिलता है, लेकिन आपको सेल के ऊपर दोनों ही 24,000 के देखने को मिल जाएंगे, नथिंग और मोटोरोलो। तो भाई सबसे पहले अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों ही फोन्स पे 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले है, लेकिन मोटोरोलो आपको 144 हर्ट्ज की कर्व डिस्प्ले देता है, वहीं 120 हर्ट्ज की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको नथिंग में। तो भाई डिस्प्ले दोनों की ही अच्छी है, लेकिन मोटोरोलो में आपको जो डिस्प्ले वो ज्यादा बेटर मिलेगी। सेकंड, अगर भाई सबसे मेन चीज अगर मैं कैमरा की बात करूं तो भाई कैमरा में बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मोटो में, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, वहीं आपको देखने को मिलता है नथिंग में 50 प्लस 50 मेगापिक्सल का सोनी MXi 766 का मेन सेंसर। सेकेंडरी जो है वो आपको 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर देखने को मिलता है, और वहीं आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी नथिंग देता है। तो भाई अगर आपको कैमरा की नीड है तो किसी भी तरीके से वीडियो, फोटो, सेल्फी या फिर कोई भी चीज ही आपको बेटर, तो आपको नथिंग में बेटर मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे ग्लिफ लाइटिंग है तो उसका भाई बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लो लाइट में। तो वहां पे आप ग्लिफ लाइटिंग का एज अ टॉर्च यूज कर सकते हो, उसी कारण भाई इसका लुक वगैरह आपको पड़ता ही है भाई ये जो पीछे की लाइटिंग है ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। वहीं भाई अगर बैटरी की बात करूं तो आपको मोटोरोला में 4400 एमएच की बैटरी, 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग, वहीं 45 एमएच की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको नथिंग में मिलती है, तो यहां पे आपको मोटोरोला बेटर मिलेगा। ओके भाई, अब आते हैं भाई प्रोसेसर के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा मेन चीज है फोन को हैंग होने से बचाने के लिए। तो अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो आपको देखने को मिलता है मोटोरोला में डायमंड सिटी का 8020 प्रोसेसर, 14 5G बैंड से, मतलब कनेक्टिविटी में भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और एंटूटू स्कोर है वो 7 लाख के करीब आते हैं, 6.5 लाख से 7 लाख के बीच में आते हैं। लेकिन भाई अगर देखा जाए यहाँ पे आपको नथिंग में तो स्नैपड्रैगन का 778G प्लस देखने को मिलता है, उसी के साथ में यहाँ पे आपको 12 5G बैंड और 5,70,000 के करीब इसके एंटूटू स्कोर आते हैं। मतलब कि भाई देखा जाए तो दोनों ही फोन के प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला का प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर मिलेगा। लेकिन भाई दिक्कत आपको दोनों ही प्रोसेसर नहीं करेंगे, दोनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर मोटोरोला जरूर है। वहीं भाई अगर कुछ अदर स्पेरियंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक सिंगल सिम का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा मोटोरोला में, फिजिकल सिंगल सिम, दूसरी अगर सिम लगानी है तो यहाँ पे ई सिम लगा सकते हो, और उसी के साथ में यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, वायरलेस चार्जिंग जो 15 वॉट सपोर्ट करता है, और IP68 रेटिंग देखने को मिलेगी, और चार्जर भी आपको इस फोन के साथ में मिल जाएगा मोटो में। लेकिन भाई वही नथिंग में बात की जाए तो आपको कोई खास आईपी रेटिंग नहीं मिलेगी, जो कि आपको पानी से बचाव करती है फोन का, वो आपको मोटो में देखने को मिलेगा, आईपी रेटिंग यहाँ पे नथिंग में नहीं है। डुअल सिम लगा सकते हो, साथ में चार्जर नहीं मिलेगा, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। और भाई आपको पता ही है कि दोनों ही फोन्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है 15 वॉट की, लेकिन नथिंग जो है वो आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देता है 5 वॉट की, जो कि आपको मोटोरोला नहीं देता। ऑलराइट, तो भाई अब बात करते हैं लास्ट ओपिनियन की, कि दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा सही है। तो देखो सबसे पहले अगर आपको ये ग्लिफ लाइटिंग वगैरह पसंद है, अगर आपका बजट 24,000 है, तो डेफिनेटली भाई ये डील सही है एकदम, बिल्कुल आप नथिंग फोन वन बाय कर सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना साथ में चार्जर नहीं मिलेगा, आईपी रेटिंग ज्यादा बेटर नहीं मिलेगी, और ग्लिफ लाइटिंग जो है वो भाई थोड़े टाइम के बाद बोरिंग लगने लगती है। एनीवे भाई अगर आपको भाई नथिंग फोन वन लेना है तो काफी सही डील है, बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो डेफिनेटली भाई आपको जो मोटोरोला वाला फोन है वो आपके लिए काफी सही रहेगा, क्योंकि पानी से बचाने के लिए इसमें भाई आईपी रेटिंग देखने को मिलती है, कर्व डिस्प्ले, प्रीमियम लुक, लेदर बैग, और उसी के साथ में यहाँ पे आपको काफी सही स्पेक्स देखने मिल जाते हैं, और इसका OS भी भाई आपको पता है काफी सही मिलता है। लेकिन भाई मोटोरोला के कैमराज जो है वो आपको एवरेज देखने मिलेंगे, लेकिन नथिंग के कैमराज आपको काफी सही देखने मिलेंगे। तो भाई जो बेस्ट कैमराज है 25,000 के नीचे, वो आपको दोनों ही सजेस्ट करता हूँ, OnePlus Nord CE 3 ले सकते हो या फिर नथिंग फोन 1 ले सकते हो, अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए। एनीवे भाई अलग अलग फोन अलग अलग पब्लिक को टारगेट करती है, मैंने आपको अलग अलग हिसाब से समझा दिया कि भाई किन के लिए कौन सा फोन ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ये तीन फोन का कंपैरिजन करें, जैसे कि OnePlus को अगर साथ में ले, अगर तीनों में से दी बेस्ट एक ऑप्शन अगर चूज करना होता तो डेफिनेटली भाई मैं चूज करता OnePlus Nord CE 3। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।